हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। बीजगणित की क्लास में हम इन दिनों आपको बीजीय व्यंजकों का अध्ययन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस प्रकार से बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजकों को आप पहचानते कैसे हैं, घातांक क्या होते हैं, इनके संकेतांक क्या होते हैं, घाते क्या होती हैं, किस प्रकार से समान अथवा असमान पद होते हैं। तो ये सभी पहचान से रिलेटेड थे। आज हम इनको आपको बताएंगे। संक्रियाएं, जो कि आप पहले ही सुन चुके हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं होती थी। संक्रियाओं से तात्पर्य है, देखेंगे आप, यहाँ पे हमने लिख दिया है संक्रियाएं क्या होती हैं। नाम तो सुनने में आपको लगेगा कोई नया शब्द है, लेकिन बिल्कुल नया नहीं है। जो जोड़ घटाव गुणा भाग आप करते आ रहे हैं कक्षा एक से, सेम वही है, उसको क्या कहते हैं, संक्रियाएं कहते हैं, गणितीय संक्रियाएं। तो अंक गणितीय संक्रियाओं में आपने अंकों को जोड़ा घटाया गुणा किया भाग किया बहुत आसानी के साथ। अब हम आपको बीज गणितीय संक्रियाएं बताएंगे कि जोड़ने का कार्य बीज गणितीय संक्रियाओं में बीजीय व्यंजकों में किस प्रकार से होता है। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास देखिए, क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना ये चारों महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं, जिसका आपको पता भी है, क्योंकि जब आपने शुरू में जोड़ना सीखा घटाना सीखा तो किस प्रकार सीखा, कितनी मेहनत के साथ सीखा, और आज चीज़ें कितनी ही आसान है। तो बहुत ध्यान से आज की क्लास को देखिए, क्योंकि अगर आपको जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना नहीं आया तो आगे की क्लास आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाली है। तो हम धीरे धीरे सबसे पहले आज जोड़ना सीखते हैं कि हम बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का योग कैसे करते हैं। हम आपको दो विधि बताते हैं बीजीय व्यंजकों का योग करने की। आप सबसे पहले विधि में क्या जान सकते हैं, क्षैतिज विधि। क्या कह सकते हैं, क्षैतिज विधि, जिसमें आप क्या करते हैं, क्षैतिज विधि में हम हमारे जितने भी व्यंजक प्राप्त होते हैं उसमें हम उनके चिन्ह को विशेष ध्यान देते हुए, चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है योग में, चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए हम क्षैतिज रूप से पंक्तिवार सभी पदों को लिख लेते हैं। उसके बाद जोड़ में और विशेष क्या ध्यान दिया जाता है, हम समान घातांक और समान पदों के जो गुणांक होते हैं, गुणांक हमने आपको पहले बता दिया है, गुणांकों को चिन्ह के अनुसार जोड़ने अथवा घटाने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम योग का कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे चिन्ह घटाव का है, माइनस का चिन्ह लगा है, तुम उसको जोड़ेंगे, हम उसको जोड़ेंगे नहीं, पदों को आपस में घटा देंगे। हमको ध्यान क्या क्या रखना है, सबसे पहले हमें घातों का ध्यान रखना है, समान घातांक के गुणांक जुड़ेंगे। उसके बाद किसका ध्यान रखना है, अगर घाते समान हैं और पद असमान है तो उनके गुणांक कभी भी जुड़ेंगे अथवा घटेंगे नहीं। विशेष ध्यान इनका आप रखिएगा। जोड़ में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें पदों का ध्यान रखना है, समान पद ही जुड़ेंगे। उसके बाद घातांकों का ध्यान रखना है, घाते भी समान होनी चाहिए, और जब हमारे पद और हमारी घाते समान हो जाएं तब हम गुणांकों को जोड़ते हैं। ये क्या हो गया, ये आपकी पहली विधि हो गई, इसी को ध्यान रखना है। उसके बाद विधियां जो हैं वो एक जैसे कार्य करेंगी। दूसरी हमारी विधि है स्तंभ विधि। क्या विधि है, स्तंभ विधि। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले हमें स्तंभ विधि योग में बताई जाती है, उसके बाद हमें क्या बताया जाता है, उसके बाद हमें क्षैतिज विधि बताया जाता है। तो आज हम इससे जानकारी प्राप्त करेंगे, हम भी क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि को ध्यान से देखेंगे। केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि हमें जोड़ना किन पदों को है किन पदों को नहीं। तो आइए अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा ये समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक पद दिया है 2x2। क्या दिया है, 2x2 दिया है। दूसरा पद आपको दिया गया है 4x2। कितना दिया गया है, 4x2 दिया गया है। आपको कहा जाए इन दोनों पदों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्षैतिज भी देखते हैं, हम क्या करेंगे, 2x2 योग करना है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4x2। अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पदों को देखेंगे। पद हमारा क्या है, यक्ष के रूप में, किस रूप में है, यक्ष के रूप में है, और घात क्या है, 2 है। दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद क्या है, यक्ष के रूप में, और घात कितनी है,
दो है, इसका मतलब पद भी समान है और घाते भी समान है। अगर पद समान है घाते समान है तो उनके जो गुणांक है वो जुड़ जाते हैं, गुणा नहीं होता, क्या होता है, जुड़ते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, दो, इसका गुणांक कितना है, चार, और चार दो क्या होता है, छः, और केवल एक ही एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, दो एक्स स्क्वायर नहीं लिखे जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको थ्री एक्स वाई है, क्या है, थ्री एक्स वाई में कहा जाए आपको जोड़ना है टू एक्स वाई, कितना जोड़ना है, टू एक्स वाई जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं थ्री एक्स वाई लिख लेंगे, योग का निशान लगा देंगे, टू एक्स वाई लिख देंगे, और यहाँ पे आपको तीन और दो पाँच हो जाएगा, पाँच एक्स वाई। इतना आसानी से क्यों हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पद समान है और घाते भी समान है। अगर पद और घाते समान नहीं होती हैं तो क्या होता है, वो आपस में उनके गुणांक जुड़ते नहीं हैं। देखते हैं किस प्रकार से ऐसा होता है, देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाए टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू, ये आपको पहला पद मिल जाए, और आपको दूसरा पद मिल जाए फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, कितना मिल जाए आपको। अगर इसको जोड़ना है तो क्षैतिज विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्षैतिज विधि में इस प्रकार से लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस सेवन वाई प्लस टू। हमने आपको बताया क्षैतिज विधि में आपको चिन्हों का ध्यान रखते हुए पंक्तिवार लिख लेना है। अब हम प्लस का निशान यहाँ लगा देंगे और पूरा आपका ये पद उतार लेंगे। अब हमें क्या ध्यान देना है, जो पद समान हो घातांक समान हो उन्हीं के गुणांकों को जोड़ना है, या हम यह कह सकते हैं अगर हमारे पद कई हैं तो हम समान घातांक और समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस फोर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, हम माइनस सेवन वाई लिख लेंगे प्लस थ्री वाई लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस टू लिख लेंगे, प्लस टू लिख लेंगे। इस तरह से गलतियां होने का चांस बहुत कम रहता है। जब आप कई सवाल इस तरह से लगा लेंगे तो फिर अगला सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चार दो छः एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए जोड़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है, ये क्या है, प्लस है। प्लस माइनस हमेशा क्या कर जाता है, घट जाता है, इनके गुणांक घट जाएंगे। चिन्ह क्या लगता है, जो पद बड़ा होगा जिसका मान, ये देख रहे हैं यहाँ पे सात क्या है, बड़ा है, तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा, सात से तीन जाएगा चार। अब आप ये नहीं करेंगे कि सात और तीन जोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। वाई लिख लेंगे और दो प्लस दो चार लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर कितना है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर आया। अब हम यहाँ स्तंभ विधि देख लेते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल तरीका अलग अलग है। देखेंगे यहाँ पे अगर आपको यही मिल रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू और फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, तो क्षैतिज विधि हो गई। अब हम स्तंभ विधि, स्तंभ विधि से कैसे निकालते हैं, हम पदों को ऊपर नीचे लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सेवन वाई प्लस टू। अब स्तंभ विधि में हमें ध्यान क्या रखना है, हमें जो घातांक हमको पद मिल रहे हैं उन्हीं के नीचे उन्हीं पदों को लिखना है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम पदों को दूसरी साइड लिख सकते हैं। हम चार एक्स स्क्वायर का पद इस तरह से लिख देंगे, थ्री वाई का इस तरह से लिख देंगे और प्लस टू लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा आप पहले कर चुके हैं, तो ये आपका छः एक्स स्क्वायर माइनस आपका फोर वाई और प्लस कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सेम वही आंसर आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि आपकी क्या है, बहुत ही आसान है। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना ही रखना है कि एक्स स्क्वायर में केवल एक्स स्क्वायर के पद का ही गुणांक जुड़ेगा अथवा घटेगा। जिस प्रकार से यहाँ माइनस सात था प्लस तीन था, तो हमने जोड़ा नहीं, हमने क्या किया, घटाया। तो आइए अब चिन्हों से रिलेटेड हम आपको कुछ बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं घटाव कैसे किया जाता है। संक्रियाओं के अंतर्गत आइए हम आपको घटाना बताते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको जोड़ बताया, जोड़ में दो विधियां बताई, स्तंभ और क्षैतिज, उसी प्रकार से सेम घटाने में भी दो विधियां आप प्रयोग में लाएंगे, स्तंभ विधि और कौन सी विधि, क्षैतिज विधि। ध्यान क्या रखना है, जितनी भी प्रक्रिया हमने आपको बताई वही करना है, ध्यान केवल ये रखना है
कि जब हम योग करते थे तो जैसे चिन्ह हमको प्राप्त होते थे हम वही संक्रिया करते जाते थे, लेकिन घटाव में बिल्कुल बदल जाता है। अगर प्लस चिन्ह है किसी भी पद के पास तो घटाव की संक्रिया में जिस पद को आप घटाते हैं वहाँ चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जिस पद से आप घटाते हैं उसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, जिस पद को आप घटाएंगे उस पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से घटाव की संक्रिया देखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे के सभी सवालों में आपको इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। तो देखेंगे स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि दोनों विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम स्तंभ विधि आपको बताते हैं किस प्रकार से आप घटाव की प्रक्रिया करते हैं। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि आपको 2x² + 7x - 2 में से क्या घटाना है, में से घटाना है x² + 3x और आपको +7 क्या करना है। बहुत ध्यान से जोड़ की संक्रिया आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसमें शब्दों का इतना महत्व नहीं होता, केवल आपको जोड़ना होता है घातों को और पदों को देखते हुए। लेकिन घटाव की संक्रिया में पदों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिखा है 2x² + 7x - 2 में से, मतलब आपको इस पद से इस पद को घटाना है तो आपको चिन्ह बदलना है इस पद का। अगर यहीं पर कहा जाता कि आपका 2x² + 7x - 2 को x² + 3x + 7 में से घटाइए, तो ये सवाल एक जैसे नहीं है, लिखे एक जैसे हैं, लेकिन इसमें शब्दों का कितना महत्व है आप देखेंगे। यहाँ आपको 2x² + 7x - 2 में से इतना घटाना है और यहाँ आपको 2x² + 7x - 2 को x² + 3x + 7 में से घटाना है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से इसको घटाएंगे। स्तंभ विधि में सबसे पहले हम 2x² + 7x - 2 लिख लेंगे। एक आपका स्तंभ में हो गया, दूसरे स्तंभ में धातुओं के अनुसार x² + 3x + 7 लिखेंगे। अब हमने क्या बताया, घात में आपको सभी चिन्ह बदल देने हैं। किस पद के बदलने हैं, जिस पद को घटाना है उस पद के बदलने हैं। आप इसके सभी चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस का है, नहीं दिखता है फिर भी प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं सभी चिन्ह बदल गए, इस पद के बदल गए, जिसको घटाना था उस पद के बदल गए। अब हम इसको जोड़ेंगे नहीं, दो में से एक को घटा देंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा। ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब बताइए प्लस का चिन्ह क्यों लगा, प्लस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि आपका ये पद बड़ा था, बड़े पद के सामने जो चिन्ह लगता है वही आपको लिखा जाता है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अब हम घटा रहे हैं लेकिन माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, इसके लिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगेगा और क्या लिख दिया जाएगा, 9 लिख दिया जाएगा। अगर क्षैतिज रूप में इन्हीं का हम घटाएं तो आप बहुत विशेष ध्यान देखिए कैसे इसको करते हैं। हम यहाँ x² - 2x² लिख लेंगे +7x - 2। देखिए हमने इसको एक ब्रैकेट में बंद किया, अब हमको क्या करना है, घटाना है। हम घटाव का चिन्ह लगा देंगे, यही तो है ना, उसके बाद हम x² + 3x + 7 लिख, ठीक। अब क्या करना है, चिन्ह हमें यहाँ भी बदलना है, हम इसके चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे और फिर यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब अगर आप ये लाइन लिख दिए तो जैसी संक्रिया आपने जोड़ में की थी वही संक्रिया आपको यहाँ भी करना है, कुछ उसमें नया नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप चाहे पदों को पास ले लीजिए, चाहे ऐसे घटा दीजिए, 2x² + 3x² घट जाएगा x², 7x से 3x जाएगा 4x और -7। देख रहे हैं सेम आंसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप क्षैतिज रूप से भी बहुत आसानी से सवाल को लगा सकते हैं और स्तंभ रूप से भी बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं।
घटाने में विशेष ध्यान क्या रखना है, घटाने में विशेष ध्यान ये रखना है आपको कि हमको चिन्ह बदलने हैं। और किस पद के चिन्ह बदलने हैं, हमें चिन्ह उस पद के बदलने हैं जिस पद को घटाना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो घटाव की संक्रिया बीजीय व्यंजकों की बहुत ही आसानी से आपके साथ हो जाने वाली है। और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो जब हम बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं अथवा बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं तो भाग में भी हमें घटाने का कार्य करना पड़ता है। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो हम बीजीय व्यंजकों का भाग नहीं लगा पाएंगे। तो हमें जोड़ना और घटाना बहुत आवश्यक है जानना इसको, नहीं तो ना हम गुणा सीख पाएंगे ना ही भाग सीख पाएंगे। तो आप होमवर्क जो दिया जाएगा उसको बहुत ध्यान से करिए। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप बताइए, अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको जोड़ना घटाना बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा तब हम आपको बीजीय व्यंजकों का गुणा करना और भाग करना सिखाएंगे। धन्यवाद।